लोग उन चीजों को करते ही क्यों हैं जो कि धार्मिक संकट का रूप ले ले। लोगों को क्या मिलता है ऐसा करके। और एक बात और भी है कि यहाँ पे जो नेपाल के अंदर अभी विभिन्न धार्मिक समूह है, संगठन इकट्ठे हो रखे हैं गो हत्या के मामले को लेकर, वो एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करता है। सबसे बड़ी बात कि इस तरह की घटनाएं होती ही क्यों हैं, क्या यहाँ पे कोई पॉलिटिशियंस का खेल होता है या फिर एक्चुअल में जनता ही आपस में भड़कना चाहती है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इन दिनों अगर बात करी जाए नेपाल के धरान की तो बहुत ज़्यादा अशांति फैली हुई है, और इस अशांति की वजह कोई और नहीं, हमारे ही कुछ लोग जो कि ऐसी करतूतें कर देते हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि समाज में अशांति फैल जाती है। ऐसा क्या हुआ उसके बाद अब हिंदुओं के जितने भी यहाँ पे संगठन हैं वो इकट्ठा क्यों हो गए? प्रशासन को पहले से ही सूचना थी लेकिन प्रशासन भी फेल होता हुआ नजर आ रहा है। ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बैठक के अनुसार गो हत्या हुई चितवन के धरान में, और उसके अनुसार यहाँ पे सांप्रदायिक हिंसा का पूरा पूरा आशंका थी, और इसी को लेकर जो यहाँ का प्रशासन था उसने सख्ताई भी। लेकिन क्या यहाँ पे सख्ताई करना इसका सॉल्यूशन है? क्योंकि किसी ने काली करतूत करी है, किसी ने गो हत्या करी है, जो कि सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म के रिलीजियंस वैल्यू के अनुसार ये सबसे बड़ा पाप है। लोग उन्हें माता मानते हैं, गो माता की पूजा करते हैं, और इसके साथ साथ मंदिरों में उनके मूत्र तक का विसर्जन किया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि गो माता को हिंदू कितना ज़्यादा पवित्र मानता है, और ऐसी पवित्र या फिर ऐसी माता जिसे माना जाता है उसे अगर कोई काट दे, इसे अगर इसकी कोई हत्या कर दे, तो आप सोच सकते हैं कि कैसा माहौल बनने वाला है। अब चाहे प्रशासन कुछ भी कर ले, लेकिन जो संगठन है, जो सम्मेलन है, जो हिंदुओं की जाति वहां पर रहती है, वो तो क्रोध में आएंगे ही आएंगी। यानी कि हमें इसका सॉल्यूशन ये नहीं देखना चाहिए कि किसी ने हत्या कर दी तो हम उसके ऊपर कड़ी यहाँ पे मशक्कत करें और उस शहर के ऊपर नाकाबंदी कर दें, उस शहर के अंदर किसी भी भीड़ को इकट्ठा ना होने दें। ये कोई मुझे सॉल्यूशन नहीं लग रहा। सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि किसी के धर्म के ऊपर हम कोई भी ठेस नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाएगा तो अहिंसा अपने आप जन्म ले लेगी। और इस समय यहाँ पे चितवन के हिंदू धर्म के विभिन्न संगठनों ने आग्रह भी किया है कि धरन में गोहत्या करने वालों पर सख्ताई बरती जाए और उन्हें बख्शा ना जाए। वैसे भी देखा जाए तो जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, जो हिंदू धर्म के अंदर सभी यहाँ पे त्योहारों की पूजा करते हैं या फिर ऐसे कहें कि साकारी हैं, वो इस चीज़ को लेकर वास्तव में अग्रेशन होगा उनके अंदर, होना भी जरूरी है कहीं ना कहीं देखा जाए तो। क्योंकि किसी को भी अपना धर्म सबसे प्रिय होता है, किसी को भी अपनी कम्युनिटी सबसे ज़्यादा प्रिय होती है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल और अच्छे से समझे जाने वाला एग्जाम्पल कि एक दोस्तों का ग्रुप है और उसके अंदर अगर एक दोस्त को किसी ने पीट दिया तो जो दोस्त हैं बाकी के वो उस ग्रुप को मारने चले जाते हैं, चाहे गलती किसी की भी हो ये भी नहीं देखते। लेकिन यहाँ पर तो स्पष्ट रूप से ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे गो हत्या हुई है, और इसके लिए लेकर यहाँ पे जो पतंजलि सेवा समिति है चितवन की वो भी तैयार है। इसके साथ साथ कई स्कूलिंग स्टाफ भी यहाँ पर आ चुके हैं, कई तरह के और ग्रुप हैं जो कि हिंदू समुदाय की रक्षा करते हैं वो भी यहाँ पे आ चुके हैं, और जो बच्चे हैं वो भी कंपेनिंग कर रहे हैं और इस तरह के नारे भी लग रहे हैं कि जो गो माता के हत्यारे हैं उनको सज़ा दी जाए, उनके खिलाफ यहाँ पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और जितना जल्दी हो सके उनका निपटारा करा जाए। और ये लोग जब तक नहीं हटेंगे, जब तक गो माता के हत्यारों को इस तरह का यहाँ पे दंड ना दिया जाए या फिर इन लोगों को इंसाफ ना मिले या फिर जिस गाय को नहीं या फिर ऐसे कहें कि गाय के समुदाय को काटा गया है या फिर हत्या करी गई है उसको इंसाफ ना मिले, क्योंकि इंसाफ चाहती है पब्लिक। आज एक गाय कटी है तो कल को अगर हमने आवाज नहीं उठाई तो दो गाय और कटेगी, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस कंपेनिंग के बारे में आपकी क्या राय है? इससे अलावा भी अगर आपको कुछ सूचना है, सटीक जानकारी है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ताकि लोगों को इन्फॉर्म कर सकें। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चल सके। चलिए आज के लिए इतना ही रखें।